In previous video, we are discussing different formats of diagrams about I/O operations. Now let's see, we are discussing how to perform these I/O operations. I/O operations perform करने के लिए generally use किया करें predefined functions. Let's see, in previous cases, we are discussing some program. Program always available over inside RAM memory during executions inside RAM. लेकिन मैंने आपको explain किया था just जब आप किसी भी टाइप के आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करो तो आईओ ऑपरेशंस या तो मॉनिटर के साथ परफॉर्म करेंगे या फिर कीबोर्ड के साथ में. जस्ट इन केस ऑफ कीबोर्ड व्हेनेवर यू आर एंटरिंग एनी इनपुट्स देन इनपुट डायरेक्टली कभी प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड नहीं होगा. सबसे पहले इनपुट स्टोर करूंगा इनसाइड सम बफर्स लाइक दैट. We are entering some characters are ABC. तो ABC के रिस्पेक्ट में ABC के ASCII values के बाइनरी नंबर स्टोर होंगे इनसाइड बफर लाइक कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी कैरेक्टर सी एंड सो ऑन लाइक दैट. बफर के केस में बफर पॉइंटर मैनेजर जो इनिशियली फर्स्ट बाइट को पॉइंट करेगा. तो प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में बात करें जब भी आप कीबोर्ड से नॉर्मली भी किसी केस में जब आप डेटा प्रेस कर दो डेटा एंटर कर दो डेटा सबसे पहले स्टोर कहाँ हो रहा है इनसाइड बफर. इट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्रोग्राम. प्रोग्राम के केस में डेटा रीड करने के लिए यूज क्या करेंगे सम फंक्शंस लाइक स्कैन एप गेट सी लाइक दैट. मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रीडिंग डेटा फ्रॉम अ बफर. मीन्स प्रोग्राम के लिए डेटा की बात करें प्रोग्राम डेटा डायरेक्टली कीबोर्ड से रीड कर रहा है मीन्स डायरेक्टली कंसोल डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रहा है बफर के साथ. बफर के साथ मीन्स डेटा मीन्स बफर से रीड हो रहा है. हाउ टू रीडिंग डेटा फ्रॉम अ बफर. बफर से डेटा रीड करने के लिए कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं लाइक गेट सी गेट कैर स्कैनअप एंड सो ऑन. तो इसके में फाइनली डेटा को रीड करने के लिए यूज क्या करें सम बफर. सिमिलरली जब आप कोई मैसेज मॉनिटर के लिए प्रिंट करा हुए बाई यूजिंग सम फंक्शंस लाइक अ प्रिंट एवर सम अदर केस. तो मॉनिटर के केस में डेटा कभी डायरेक्टली मॉनिटर के लिए सेंड होगा सबसे पहले डेटा कहाँ स्टोर होगा इन साइड दैट बफर मीन्स एस टी डी आउट. एस टी डी आउट और डेटा रीड कहाँ से हुआ था फ्रॉम एस टी डी इन. तो सबसे पहले डेटा बफर में राइट हुआ देन बफर के थ्रू डेटा खाली मॉनिटर के लिए डिस्प्ले हो जाएगा. अब क्वेश्चन है कि मीन्स अगर बफर से डेटा रीड करना है या बफर के लिए डेटा राइट करना है देन इस केस में किस टाइप से रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करें. रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट मीन्स टू परफॉर्म रीडिंग डेटा फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इनपुट बफर एस टी डी इन सी हैज प्रोवाइडेड सम प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन. सेम एज अगर बफर के केस में डेटा राइट करना है बफर में भी डेटा राइट करने के लिए प्रोवाइड क्या किया गया सम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस. लेट्स सी लिस्ट आउट दैट फंक्शंस. फर्स्ट वन सी लैंग्वेज ने अगर किसी भी इनपुट बफर या एनी इनपुट बफर से डेटा रीड करना मे बी एस टी डी इन. तो एस टी डी इन से डेटा रीड करने के लिए कई सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड किए गए. लेकिन जब डेटा रीड करो डेटा या तो एट ए टाइम ओनली सिंगल कैरेक्टर रीड होगा या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और एनी टाइप्स ऑफ इनपुट. कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए फोर फंक्शंस अवेलेबल है गेट कैर. बाई यूजिंग गेट कैर फंक्शन वी कैन रीड ओनली सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ कीबोर्ड सॉरी फ्रॉम अ एस टी डी इन. सेम एज एन अदर वे गेट सी. गेट सी फंक्शन के थ्रू भी सिंगल कैरेक्टर किसी भी बफर से रीड करना पॉसिबल हुआ. सेम एज गेट सी एज एंड गेट सी एच ई. टोटल कैरेक्टर्स के केस में अगर आपको इनपुट रीड करना अगर इनपुट्स कैरेक्टर्स के फॉर्म में अवेलेबल है एट ए टाइम सिंगल कैरेक्टर. सिंगल कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए फंक्शंस कितने देर आर फोर फंक्शंस. इन फंक्शंस के थ्रू किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन. रीड ऑपरेशन रीडिंग सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम इनपुट बफर. नेक्स्ट वन व्हाट सपोज्ड कैरेक्टर्स मुझे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और मोर देन वन कैरेक्टर रीड करना मीन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग को रीड करने के लिए प्रीडिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है कंसोल फंक्शन गेट्स. सेम एज कैरेक्टर फंक्शंस के थ्रू एट ए टाइम ओनली सिंगल कैरेक्टर रीड करना पॉसिबल है एंड स्ट्रिंग फंक्शंस के थ्रू एट ए टाइम ओनली सिंगल स्ट्रिंग रीड करना पॉसिबल. बट सपोज अगर मुझे एक से ज़्यादा इनपुट रीड करना है इनपुट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में रीड करना मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स इंटीजर्स फ्लोट डबल लाइक दैट. देन फॉर्मेटेड डेटा रीड करने के लिए आप यूज करोगे फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस. फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस दिस फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन इज नथिंग बट इट इज सिंपली स्कैनएप. सिंपली स्कैनएप. नेक्स्ट वन
पर डेटा बफर में राइट करना है, बफर में राइट करने के लिए यूज क्या करेंगे, प्री डिफाइंड आउटपुट फंक्शंस। मीन्स अगर आपको ओनली सिंगल कैरेक्टर राइट करना है देन यूज करेंगे कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शन। मीन्स टू फंक्शन अवेलेबल है, पुट केयर एंड पुट सी। पुट केयर एंड पुट सी के थ्रू सिंगल कैरेक्टर बफर में राइट करना पॉसिबल हुआ, ओनली सिंगल कैरेक्टर। सिमिलरली अगर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स राइट करना, मीन्स कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, देन इस केस में यूज करेंगे पुट एज फंक्शन, पुट्स, पुट स्ट्रिंग। सेम एज अगर डेटा फॉर्मेटेड स्टैंडर्ड में डिस्प्ले कराना है, राइट करना है, देन यूज क्या करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शंस, और वी कैन से फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस प्रिंट एफ। फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस, फॉर्मेटेड आउटपुट के केस में यूज क्या होगा, सिंपली प्रिंट एफ फंक्शंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री कैटेगरीज, पुट केयर और पुट सी फंक्शंस के थ्रू एट ए टाइम ओनली सिंगल कैरेक्टर राइट करना पॉसिबल रहा है, पुट एस के थ्रू ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रिंग राइट करना पॉसिबल है, लेकिन सभी केस में एट ए टाइम ओनली सिंगल आउटपुट और सिंगल मैसेज। लेकिन प्रिंट एफ के थ्रू एनी नंबर ऑफ वैल्यू साइमल्टेनियसली प्रिंट करना पॉसिबल बाय यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। इस केस में स्पेशली यूज क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज फॉर्मेटेड आउटपुट। अनदर केस, प्रिंट एफ के थ्रू एक से ज्यादा वैल्यू भी डिस्प्ले कराना पॉसिबल हुआ। अब इन फंक्शंस को वन बाय वन डिटेल्स में डिस्कस करें। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अबाउट कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस। फर्स्ट वन गेट केयर, देन गेट सी, देन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई, आफ्टर दैट गेट एस एंड स्कैन एफ। सिमिलरली पुट केयर वन बाय वन, वी आर डिस्कसिंग ऑल फंक्शंस इन डिटेल्स वन बाय वन।